झारखंड देशम पार्टी ने साक्षी गोलचक्कर अनिश्चितकालीन धरना दिया। ये धरना राज्य में सीएनटी एक्ट लागू करने और भाषा के मांग को लेकर है। 4 फरवरी से झारखंड देशम पार्टी के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। ये आमरण अनशन साक्षी गोलचक्कर पर दी गई है। पार्टी की मांग है कि सरकार राज्य में अविलंब सीएनटी एक्ट लागू करे और संथाली भाषा को राजभाषा की दर्जा दिया जाए। वैसे ये पार्टी 7 मार्च को राजभवन का घेराव करेगी और उससे पहले 15 फरवरी को 5 राज्यों में चक्का जाम करेगी। उधर इस पार्टी का ये अनिश्चितकालीन आमरण अनशन चलता रहेगा। झारखंड जो राज बना 2000 है, लेकिन अब तक आदिवासी का हासा भाषा धर्म अब तक इसका कोई मान्यता नहीं मिला है। तो इसके लिए झारखंड दिसम पार्टी और सेंगेल अभियान और सालखान मुर्मू के नेतृत्व में ये आज आमरण अनशन का ये धरना पर हम लोग बैठे हैं। और इसमें हम लोग का मांग है, इसमें संताली को झारखंड में राजभाषा बनाया जाए और गौ मुंडा गुरु खड़िया को विशेष भाषा का दर्जा दिया जाए। और जो बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये सब में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जाए।